ये कंप्यूटर का हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हमने जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर को डिस्कस करना है, फिर इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर को डिस्कस करना है, तीसरे नंबर पर क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स को देखना है, एंड देन जो है हमने बेसिक स्टोरेज यूनिट जो है कंप्यूटर के स्टोरेज कैसे होती है उसको देखना है। तो इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने जो है वो एक ब्रीफ हिस्ट्री देखी थी कंप्यूटर की कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है जिसको हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है उन इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद यूज़फुल इंफॉर्मेशन को अपने अंदर सेव कर लेता है। तो उस इंफॉर्मेशन को हम जो है फिर यूज़ करते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो कंप्यूटर जो है इसकी ब्रीफ हिस्ट्री में अगर देखें तो 5000 साल पहले एक अबाकस नामी सॉफ्टवेयर आया था, एक मशीन आई थी जिसको जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर इसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पर स्कॉट के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम जॉन नेपियर था, उन्होंने एक नेपियर बोन नामी डिवाइस इंट्रोड्यूस करवा दिया और लॉगरिथमिक टेबल इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो उसने जो है मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया चीज़ों को। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो हमारे पास ब्लेस पास्कल आ गया जी, जो कि हमारे पास उन्होंने पास्कलाइन कैलकुलेटर दिया। ये फ्रांस के रहने वाले एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने जो है वो एक एडिशन या प्लस माइनस करने वाली मशीन बनाई थी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो जर्मनी से हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम वॉन लिबनिट्स था। वॉन लिबनिट्स ने क्या किया कि उसी प्रीवियस कॉन्सेप्ट को लेकर एक ऐसा कैलकुलेटर बना दिया जिसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो रही थी। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट एक कैलकुलेटर में आ गया, वो चीज़ें करने लग गए। इसके बाद फिर चार्ल्स जेवियर फ्रांस से फिर एक साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने पास्कलाइन और वॉन लिबनिट्स के जो एडिशन सब्स्ट्रक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन चारों चीज़ों को एक ही मशीन में लेकर आ गए। अब इस तरह से ये जिद्दत आती गई, यानी एक ही कैलकुलेटर में चार चीज़ें होने लग गई। अब इसके बाद जेवियर के बाद जो है फिर जोसेफ आ जाते हैं। जोसेफ जो है इन्होंने एक पंच बोर्ड बना दिया। पंच बोर्ड क्या होता है, बेसिकली एक पावर लूम होती है और ये पावर लूम क्या करती है, कपड़े बनाने के लिए जो ऊपर एक वेविंग पैटर्न बनाते हैं क्लोथेस के ऊपर, तो वो एक लूम की मदद से बनाते हैं। तो उस लूम को जो है हम क्या कहते हैं, पावर लूम को पंच बोर्ड कहते हैं। तो इस पंच बोर्ड को बनाया किसने, जोसेफ ने, और इस पंच बोर्ड को फिर कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस करवा दिया हरमन होल्ड्स ने। हरमन होल्ड्स ने क्या किया, इस पंच बोर्ड को एज अ इनपुट आउटपुट के तौर पर कंप्यूटर में लेकर आ गए, कंप्यूटर सर्किट में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इसके बाद फिर चार्ल्स बबिज आ गए थे, चार्ल्स बबिज जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने पहला एनालिटिकल इंजन दे दिया था 1842 में। ये कब पैदा हुए थे, 1791 में, और 1871 में जाकर इनकी डेथ हो जाती है और 1871 में जर्मनी की और इटली की यूनिफिकेशन भी हुई थी। अब इसके बाद हमारे पास एंटोनासोफ आ जाते हैं। एंटोनासोफ एक साइंटिस्ट थे जो कि लोवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। इन्होंने एक बूलियन अलजबरा एक तो इंट्रोड्यूस करवा दिया कंप्यूटर के अंदर, और दूसरा इन्होंने बैरी कंपनी के साथ कोऑपरेट करके एक कंप्यूटर भी डेवलप कर दिया था इलेक्ट्रॉनिक, तो उसको ABC का नाम देते हैं, यानी एंटोनासोफ बैरी कंप्यूटर। फिर इसके बाद हमारे पास जॉर्ज बूलियन आ गए थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बाइनरी उस बूलियन अलजबरा को जो है वो बाइनरी डिजिट्स में ट्रू फॉल्स या 0-1 का कॉन्सेप्ट लेकर आ गया कंप्यूटर के अंदर। अब इसके बाद हमारे पास डी मार्क वन कंप्यूटर आ गया, जो कि हॉवर्ड एकन ने हॉवर्ड यूनिवर्सिटी से के जो प्रोफेसर थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, और ये 1937 से 1944 तक जो है वो बड़ा ही इसको माना गया और इसमें डेवलपमेंट हुई। तो इस तरह से करके हमारे पास ये कंप्यूटर की सारी हिस्ट्री रही। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फिर अप्रैल 1946 में हमने देखा कि यूनिवैक आ गया था। यूनिवैक जो है वो यूके के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पेश किया। फिर उसके बाद ईडीसैक आ गया, सर मोरिस ने, वो भी यूके से थे, उन्होंने पेश कर दिया, जो कि सॉफ्टवेयर को यूनिवैक जो है वो स्टोर नहीं कर रहा था, तो ईडीसैक जो है वो प्रोग्राम्स वगैरह को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता था।
तो ईडीसैक हो गया, यूनिवैक हो गया, इनिएक हो गया, तो इस तरह से करके ये चीज़ें आ गई। ये फर्स्ट जनरेशन में, फिर 1946 में आ गए, तो 1946 में ये कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन आ गई। अब 1946 से लेकर 1959 तक ये पहली जनरेशन है जिसमें टेक्नोलॉजी हमने देखनी है कि कौन सी इस्तेमाल होती है, सारी जनरेशन्स में हम देखेंगे। इसके अलावा कौन कौन से कंप्यूटर बने उनकी एग्जांपल्स को लेकर चलेंगे। तो पहला कंप्यूटर, पहला जो जनरेशन है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब एक बहुत बड़ी ट्यूब होती है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे होते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो वैक्यूम ट्यूब अकेली नहीं थी, बल्कि तकरीबन पहले कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब्स की तादाद है वो तकरीबन 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की गई, और इसका जो वेट था, जो इसका मैस था, वो तकरीबन 30 टन के बराबर था। 30 टन के बराबर बहुत बड़ा कंप्यूटर था जो पहला कंप्यूटर बनाया गया। तो अब इसमें जो आपको पता है टन में 1000 kg होते हैं, 1000 kg, ये भी क्वेश्चन है सारे। तो इस तरह से इतना बड़ा कंप्यूटर डेवलप किया गया जिसमें कौन सी टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब। इसके बाद कंप्यूटर कौन सा बने जी, इनिएक, ईडीसैक और यूनिवैक। यूनिवैक 1959 में बना, यूनिवैक। ईडीसैक में ये 46 में, और ये भी 40 अप्रैल के बाद, ये मई 46 में, ये अप्रैल 46 में, ये स्टोर करता है, नहीं करता, इनिएक स्टोर नहीं करता प्रोग्राम को, और ईडीसैक जो है वो प्रोग्राम्स को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसके बाद हम आते हैं जी सेकंड जनरेशन के ऊपर। ये 59 से लेकर 65 तक रहती है। पहली हमारी जो जंग होती है भारत के साथ, जब हम जंग कर रहे थे 65 में, तो वहाँ पर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आ रहे थे जिसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही थी वो कौन सी थी जी, ट्रांजिस्टर थे। ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिकली आपने FSC में पढ़े होंगे, NPN, PNP, जंक्शन वगैरह, उसमें जो है वो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सिलिकॉन के अंदर, और इस तरह से। तो बहरहाल वो एक अलग बहस है। तो ट्रांजिस्टर जो है वो किसने इन्वेंट किया, जोहन बर्डीन ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांजिस्टर किसने इन्वेंट किया, जोहन बर्डीन ने, और ये किस लेबॉर्टरी में हुआ जी, बेल लेबॉर्टरी में। कब हुआ जी, जब पाकिस्तान बना 1947 में। और इस ट्रांजिस्टर ने सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, कौन सी, वैक्यूम ट्यूब की बजाय अब क्या आ गया, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक छोटा सा आला होता है, बहुत छोटा सा आला होता है, एक उसका साइज बहुत कम होता है। तो इसके लगने से ये जो बड़ा बड़ा कंप्यूटर था 30 टन वाला, वो रिड्यूस होकर एक छोटा मिनी कंप्यूटर बन गया। किसकी वजह से जी, ट्रांजिस्टर की वजह से साइज रिड्यूस हो गया, और उसकी जो काम करने की सलाहियत है वो पहले से कहीं ज़्यादा हो गई। इसमें जो अगर बात की जाए कंप्यूटर कौन कौन से बनाए गए, तो IBM 7094 ये कंप्यूटर बना जी सेकंड जनरेशन में। इसके अलावा IBM 1400, इसके अलावा जो है हमारे पास तीसरा जो है वो CTC बना जी 164 CTC। ये कंप्यूटर के नाम है, बस आप याद ना भी रहे तो कोई इशू नहीं, लेकिन IBM किस चीज़ का एब्रीवेटिव है याद रखना है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM। तो ये कंपनी है जी, कंप्यूटर कंपनी है, जैसे एप्पल है वगैरह वगैरह, तो इस तरह करके डेल है या तो इसी तरह से IBM है। अब ये थर्ड जनरेशन की बात करते हैं जी। तो थर्ड जनरेशन जो है वो हमारी जब जंग 65 वाली ख़त्म हुई, तो 65 से लेकर हम 71 में दोबारा हमने जंग कर दी इंडिया के साथ, तो उस वक्त ये थर्ड जनरेशन आ रही थी। हम इधर जंगे कर रहे हैं तो उधर जो है वो जनरेशन आ रही हैं कंप्यूटर की। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की गई, इंटीग्रेटेड सर्किट। दरअसल इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं, ये वही ट्रांजिस्टर हैं लेकिन इंटीग्रेट कर दिया गया है, इनको इकट्ठा कर दिया गया, यानी बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एडअप करके एक सर्किट तरतीब दे दिया गया। तो एक सर्किट में बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगाकर उन्होंने जो है वो उसकी कैपेबिलिटी को मज़ीद बढ़ा दिया। कैपेबिलिटी बढ़ी तो एक नई जनरेशन, एक बेहतरीन कंप्यूटर बन के आ गए। तो इस तरह से हमारे पास ये जो कंप्यूटर की नई सीरीज आ गई हमारे पास इस दौर में, IBM 370 और IBM 360, ये सीरीज आ गई हमारे पास कंप्यूटर्स की, और ये उनसे बेहतर कंप्यूटर थे तो थर्ड जनरेशन में। और ये 1965 वाली जंग और 1971 वाली जंग के बिटवीन हमारी जो इंडिया के साथ हुई है वहाँ पर ये बन रहे थे हमारे पास, दुनिया यहाँ पर कंप्यूटर बना रही थी। अब इसके बाद फोर्थ जनरेशन पर आते हैं जी। फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980,
तो इधर अब हम जनरल ज़िया आ गए 1980 के करीब करीब, तो यहाँ पर रशिया के साथ हमारी सर्द जंग चल रही है अफ़गानिस्तान के रास्ते, तो हमारी यहाँ पर ये तीसरी चौथी जंग चल रही है और इधर चौथी जनरेशन आ रही है हमारे पास कंप्यूटर्स की। तो यहाँ पर जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, माइक्रो प्रोसेसर्स या इसके अलावा LSI और VLSI। अब LSI क्या होता है जी, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI क्या होता है, V से वेरी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वही ट्रांजिस्टर हैं लेकिन उनकी मजीद जो है वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब उन्हीं ट्रांजिस्टर को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, और ज़्यादा तादाद में उन्होंने लगा दिए, तो वो उनकी वर्क करने की कैपेबिलिटी और बढ़ती चली गई। और इसी तरह से साथ में माइक्रो प्रोसेसर भी लग गए, तो यूं करके जो है ये टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई। बस टेक्नोलॉजी याद रखनी है माइक्रो प्रोसेसर, LSI और VLSI। तो इंटीग्रेशन होती है जी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जमा करना, एडअप करना। अच्छा जी, तो इसके बाद इसमें कंप्यूटर कौन कौन से बने जी, हमारे पास IBM PC और एप्पल मैकिंटोश। एप्पल कंप्यूटर आपको पता है ये बड़े मशहूर हैं, जो कौन सी जनरेशन में आ गए एप्पल के बारे में पूछा जाता है, तो ये फोर्थ जनरेशन में 1971 से 1980 के बिटवीन। तो IBM PC, IBM तो मैंने बता दिया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका एब्रीवेटिव होता है, PC का मतलब होता है जी पर्सनल कंप्यूटर। अब इसके बाद फिफ्थ जनरेशन पे आ जाते हैं, तो फिफ्थ जनरेशन जो है हमारे पास कंप्यूटर्स की, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जी, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये 1980 के बाद अभी तक हमारे पास यही जनरेशन चल रही है, और इसमें भी हम अभी जंगें लड़ रहे हैं जी 84 में, 1884 में इंडिया के साथ सियाचिन, फिर 1999 में कारगिल की वार, तो अभी भी हम जंगें कर रहे हैं, लेकिन इधर जनरेशन बनती चली जा रही है। तो ये लेटेस्ट जनरेशन है जी, फिफ्थ जनरेशन। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा ULSI, तो LSI तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो U क्या है जी, अल्ट्रा मीन बहुत ज़्यादा, वेरी, पहले तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी यहाँ पर, फिर वेरी लार्ज हो गई, और अब क्या है जी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत ज़्यादा हमने वो ट्रांजिस्टर इकट्ठे कर दिए। तो अब इसमें टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर पर बात करते हैं जी, तो तीन टाइप्स होती हैं, एक तो हमारे पास एनालॉग, दूसरी हमारे पास डिजिटल, और तीसरी हमारे पास हाइब्रिड। एनालॉग क्या होती है, ये बहुत पुराना है एनालॉग का सिस्टम, 1930 की बात है जब इसको हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये किसने एनालॉग कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया, मिहाइलो पेट्रोविच अलास 1930 में। तो ये दरअसल कंटिन्यूअस, या हमारे पास जो वेरिएबल क्वांटिटीज होती हैं, जो लगातार इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती हैं, उनको जो है ये एड्रेस करता है एनालॉग कंप्यूटर। जैसे ग्राफ होता है, एक कंटिन्यूअस ग्राफ होता है, ये लगातार इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है, तो कोई उन क्वांटिटीज़ को, उन मकदारों को जो लगातार इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती हैं कंटिन्यूसली, उनको कौन डील करता है जी, एनालॉग कंप्यूटर डील करता है। जिसमें एग्जांपल के तौर पर हमारे पास वोल्टेज है, वोल्टेज का ग्राफ आपने देखा होगा, प्रेशर है, लगातार तब्दील हो रहा होता है हवा का, या कोई भी डिफरेंट किस्म के प्रेशर हैं, इसके अलावा स्पीड है मोटरसाइकिल की, वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है, या किसी गाड़ी की या किसी हवा की स्पीड, तो इसको कौन एड्रेस करता है, एनालॉग कंप्यूटर। अब इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर जो है वो क्या होता है जी, डिजिटल कंप्यूटर जो है ये एडवांस कंप्यूटर हैं, ये एक तो बाइनरी डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं हम इसमें, जीरो और वन, और ये इसका ग्राफ ज्यादातर स्क्वायर टाइप बनता है जी, इसका डिजिटल का, तो जीरो को इस्तेमाल करते और वन को, तो वन जीरो ऑफ को और वन ऑन को शो करता है। इस तरह से इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एप्पल मैकिंटोश डिजिटल कंप्यूटर है, पूछा जा सकता है कि वो डिजिटल है या एनालॉग है, एप्पल मैकिंटोश तो जी डिजिटल है, 01 का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है। इसके बाद IBM है जी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो IBM जो कंप्यूटर हैं ये भी किस में आते हैं जी, डिजिटल में आते हैं, एनालॉग में इसको क्लिक नहीं करना। इसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, ये लेटेस्ट हैं, हाइब्रिड क्या है, लेटेस्ट हैं, इनमें दोनों खूबियाँ होती हैं, ये कंटिन्यूअस भी ग्राफ बना सकते हैं और स्क्वायर टाइप ग्राफ भी बना सकते हैं, मीन दैट कि हमारे पास एनालॉग
और डिजिटल की जो खासियत है, दोनों की खासियत इसमें पाई जाती है हाइब्रिड में। हाइब्रिड जो कम्बिनेशन होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का। तो इसकी जो इस्तेमालात हैं वो रोबोट्स आपके पास जो अभी रिसेंटली इंसानों की जगह को रिप्लेस करते जा रहे हैं मुख्तलिफ ऑफिसेज में, तो रोबोट्स और लेबॉरट्रीज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स में। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो हम सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे। सुपर कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत फास्टेस्ट हैं और ये जदीद तरीन होते हैं और एडवांस कंट्रीज़ के पास हैं, जो वीदर को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे वीदर सिस्टम को देखते हैं। इसके अलावा टैंक्स में मुख्तलिफ जो जंगी आलात हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं ये, या मुख्तलिफ कंट्रीज़ करते हैं। इसके अलावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। किनको? ये जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो सुपर कंप्यूटर्स जो एडवांस कंट्रीज़ के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है सुपर कंप्यूटर्स की, जिसमें वीदर वगैरह को भी वो चेक कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, ये थोड़ा सा वीक हैं उससे सुपर कंप्यूटर की निस्बत, और लेकिन इनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, पावरफुल भी होते हैं। और इसकी अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो आईबीएम 10 जो है ये इनमें इम्पोर्टेंट तरीन है। हाँ, ये सुपर कंप्यूटर में जो है वो एग्जांपल्स हम छोड़ गए, तो रोड रनर कंप्यूटर है जी, ये एक कंप्यूटर का नाम है, रोड रनर ब्लू जिन और क्रे T90 ASCII White, ये कंप्यूटर के नाम हैं, चार नाम। और ये कौन से कंप्यूटर हैं जी? सुपर कंप्यूटर हैं, पूछा जा सकता है इन चारों के बारे में, तो ये सुपर कंप्यूटर हो गया। IBM 10 जो है वो कौन सा है जी? मेन फ्रेम कंप्यूटर है, पावर के लिहाज से तो ज़बरदस्त है लेकिन साइज़ में बहुत बड़ा है ये आपने देखना है। तो कहाँ पर इस्तेमाल होता है जी? एक तो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रैंक्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ एयरप्लेन कंपनीज हैं, हवाई जहाज़ वगैरह, वो अपनी टिकट्स के सिस्टम को बेहतर करने के लिए, टिकट्स कलेक्शन को बेहतर करने के लिए क्या करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जी। माइक्रो कंप्यूटर यही जो छोटे कंप्यूटर हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप हो गए, पीसी हो गया, इसके अलावा हैंड होल्ड यानी कि बहुत छोटे कंप्यूटर, टैब्स वगैरह जिस तरह की हम इस्तेमाल करते हैं, छोटी मोबाइल के जितनी होती हैं, तो ये हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर यानी कि साइज के अतबार से बहुत छोटे होते हैं लेकिन ज़बरदस्त होते हैं। पहला माइक्रो कंप्यूटर कब बना? 1981 में। इसका नाम क्या था? IBM PC। और ये किसने बनाया जी? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट ने पहला IBM PC, इसे फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इसके अलावा अब तो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, आपको पता है डेल है, HP है, फलां, तो HP 3000 ये एक इसकी एग्जांपल है, IBM PC इसकी एग्जांपल है, 1981 में बना। अब इसके बाद बेसिक स्टोरेज ऑफ द यूनिट, कि ये जो हमारे पास इनकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है डिफरेंट कंप्यूटर्स की, अगर उसको देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है स्टोरेज का? तो बिट होता है जी। क्या होता है? बिट। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? बिट। तो इसके अलावा ये बिट की क्या फॉर्म हो सकती है? बाइनरी फॉर्म हो सकती है, यानी 0-1 की फॉर्म में हो सकते हैं बिट या बाइनरी डिजिट। इसके अलावा ये एक टाइम में एक जगह को जो है वो स्टोरेज लोकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। जो एक बिट है वो वन स्टोरेज लोकेशन को कंप्यूटर के अंदर क्या करती है जी? मेमोरी के अंदर यूज़ कर रही होती है। अब इसके बाद बिट के बाद निबल की बात करें तो एक निबल में 4 बिट होती हैं, एक निबल में 4 बिट होती हैं। और एक बाइट की अगर बात करें, यहाँ पर मैं जल्दी से क्विकली इसको करता चला जाऊँगा, अगर एक बाइट की बात करें तो एक बाइट में 8 बिट होती हैं, एक बाइट में 8 बिट होती हैं। अब इसके अलावा एक किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं, मैंने इधर भी लिख दी है। बिट होता है 0-1, निबल होती है जी 4 बिट के इक्वल, और 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाती हैं, फिर 1024 बाइट मिलकर एक KB बनाती हैं, और एक मेगाबाइट के अंदर 1024 किलोबाइट होती हैं, एक गीगाबाइट के अंदर 1024 मेगाबाइट होती हैं,
और एक टेराबाइट के अंदर 1024 गीगाबाइट होती हैं। तो इस तरह से करके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। तो मुख्तलिफ कन्वर्जन भी हैं, नीचे भी मैंने लिखा हुआ है कि 1 byte में 8 bit होती हैं और 8 bit होती हैं, तो 8 bit इज इक्वल टू 2 nibble। अगर 1 nibble की बात करें तो फिर 4 bit। बहरहाल ये आप कन्वर्जन देख लेंगे। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना कि जो है वो मुख्तलिफ इसमें मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्जा, तो 9th क्लास में एक फिज़िक्स में ये पूरा टेबल पढ़ा है, तो वहाँ से आप इनको किलो, मेगा, गीगा को आप देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू जो है किस तरह से इंक्रीज़ हो रही होती है। तो ये आज का लेक्चर यहाँ तक कवर हो गया। तो आज हमने प्री हिस्ट्री कंप्यूटर की कवर हो गई, फंडामेंटल में जनरेशंस कवर हो गई, टाइप्स कवर हो गई, और स्टोरेज कैपेसिटी किस तरह से होती है कंप्यूटर की ये कवर हो गई। तो नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह लैंग्वेजेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और इस तरह की और कुछ चीज़ें सॉफ्टवेयर के बारे में, विंडोज़ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे।